मुस्लिम विलेन को बड़ी वाली ना है और हिंदू विलेन को बड़ी वाली हाँ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ नितीश गोयल, शंभू टॉक्स में हमारी ये नई श्रृंखला प्रत्यंचा के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका अभिवादन। हिंदू विलेन, मुस्लिम विलेन, खैर बात कुछ और भी है। पठान चाचा, करीम चाचा, रहीम चाचा, ये नाम सुनकर के आपको क्या ध्यान में आया होगा? नो डाउट बॉलीवुड, यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे एक्चुअली कराची वुड या उर्दू वुड कहा जाना चाहिए। ये लोग जो पठान चाचा, करीम चाचा या रहीम चाचा हुआ करते थे, ये कभी किसी के साथ गलत होते हुए देख नहीं सकते थे। ये कभी किसी के साथ गलत तो कर ही नहीं सकते थे, और इसीलिए कि ईमान के बड़े पक्के हुआ करते थे। और मैंने इनके साथ में कभी मामा या खास तौर पे काका या ताऊ ये नहीं सुना है, हमेशा चाचा ही सुना है। और शायद इसी कारण रहा होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने नाम के आगे प्यार से चाचा नेहरू कहलवाना पसंद किया। खैर बात इतनी सी नहीं है, बात और भी है जो मैंने शुरुआत में कही थी। दैट इज, हिंदू विलेन को बड़ी वाली हाँ है और मुस्लिम विलेन को बड़ी वाली ना है। जी हाँ, अभी अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई सोनी लिव पर, जिसका नाम है रॉकेट बॉयज, जिसमें विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से प्रेडिक्ट किया गया, प्रदर्शित किया गया। 8 एपिसोड्स की वेब सीरीज है और आप डेफिनेटली एक बार देखना पसंद का शुरू करेंगे तो एक ही बार में, यानी कि वन टेक, 8वां एपिसोड देख डालेंगे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार में देख डालेंगे। इससे ज्यादा मुझे पता है कि ये वेब सीरीज आपको बांध के रखती है। लेकिन बात ये है कि द प्रिंट के होल सोल, यानी कि शेखर गुप्ता, बेसिकली वो सोल तो बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन अभी वो जो बात कर रहे हैं वो बात को जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, इन सबके लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ में जो तीसरा कैरेक्टर है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी बहुत बढ़िया है। मृणालिनी नाम की जो करेक्टर है वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मेघनाथ साहा, जी हाँ मेघनाथ साहा, जिनके बारे में बचपन में हमने पढ़ा होगा, जब हम सीवी रमन के बारे में पढ़ते थे, हम जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ते थे, हम विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ते थे, मेघनाथ साहा का नाम भी हमने उस समय बहुत अच्छे तरीके से सुना है। उन्होंने कहा कि मेघनाथ साहा नाम से इस सीरीज में कोई करेक्टर नहीं है, लेकिन मेहंदी रजा नाम से इस सीरीज में एक करेक्टर है जो बेसिकली मेघनाथ साहा का ही वर्जन है। यानी कि मेघनाथ साहा नाम नहीं लिया गया, नाम मेहंदी रजा कर दिया और करेक्टर मेघनाथ साहा का दे दिया है। ये अलग बात है कि मेघनाथ साहा 1962 तक अपने अवतार में थे नहीं, यानी कि वो देश दुनिया से जा चुके थे, और 1962 के समय में भी मेहंदी रजा को वहां पर दिखाया गया। तो प्रॉब्लम ये नहीं है शेखर गुप्ता की कि मेहंदी रजा को मेघनाथ साहा के रूप में दिखाया गया या नहीं दिखाया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेहंदी रजा ये नाम क्यों रखा गया? अगर उनका नाम राकेश शर्मा हुआ होता तो क्या तब भी शेखर गुप्ता को यही प्रॉब्लम होती? क्योंकि शेखर गुप्ता आर्टिकल जब लिखते हैं, जब वीडियो बनाते हैं, तब ये कहते हैं कि मेघनाथ साहा आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जो दलित, अति पिछड़ा जिसे कहा जाता है, मेघनाथ साहा उन लोगों में से आया करते थे। उन्होंने राजनीति भी की, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उन्होंने राजनीति नहीं की, जो चीज उन्हें दिखाई गई इस वेब सीरीज में। इस वेब सीरीज में उन्हें एक राजनीतिक भी बताया गया, कम्युनिस्ट राजनीतिक बताया गया, साइंटिस्ट भी बताया गया, जर्नलिस्ट भी बताया गया, और एक मुस्लिम बताया गया जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसे जिन्ना से बहुत करीबी बताया गया। ये सब कुछ वेब सीरीज में बताया गया है। अब वेब सीरीज में वो मेघनाथ साहा के बारे में है या कोई काल्पनिक करेक्टर गढ़ दिया गया है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है उस वेब सीरीज में होमी जहांगीर भाभा का नाम लिया गया है एग्जैक्टली, उस वेब सीरीज में डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम लिया गया है एग्जैक्टली, उसमें पंडित नेहरू का नाम लिया गया है, उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया गया है, उसमें मेघनाथ साहा का कभी नीचे करने के लिए नाम ही नहीं लिया गया। वहां पर मेहंदी रजा नाम का व्यक्ति है, चूंकि वो व्यक्ति मुस्लिम कैरेक्टर है, इसलिए शेखर गुप्ता को शायद बहुत तकलीफ हो रही है। ये वही शेखर गुप्ता है जिन्हें उस चीज से कभी तकलीफ नहीं होगी किसी भी दौर में, जो जब हसीना पारकर, जो दाऊद इब्राहिम की बहन है, उनका यशोगान हिंदी फिल्मों में किया जाता है, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो मैच फिक्सर पाए गए हैं, उनका यशोगान हिंदी फिल्मों में किया जाता है, हिंदी फिल्मों में जब यशोगान किया जाता है हाजी मस्तान का, करीम लाला का, उन्हें तब कोई तकलीफ नहीं होती। रईस जैसी फिल्मों से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। उन्हें तकलीफ नहीं होती है संजो फिल्म से, जहां पर एक ऐसे व्यक्ति को जिसका अंडरवर्ल्ड के साथ में कनेक्शन हुआ होता है, उसका यशोगान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किया जाता है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी उस चीज से भी, जिसे हम आज की तारीख में आलिया भट्ट द्वारा अभिनीत फिल्म कह सकते हैं, दैट इज गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट रही नहीं है बल्कि उसका पूरा रैकेट चलाया करती थी। यानी कि वैश्यवृत्ति के धंधे में केवल लिप्त नहीं थी बल्कि पूरा धंधा चलाया करती थी, ड्रग
ट्रैफिकिंग की जब बात करती है तभी उनका नाम आता है। और ऐसे ही गंगूबाई काठियावाड़ी का यशोगान भी संजय लीला भंसाली जैसी फिल्म का कर रहे तब तब द प्रिंट के द होल सोल या फिर ऑलरेडी सोल्ड हो चुके शेखर गुप्ता को कोई तकलीफ नहीं होती। और कोई ये तकलीफ तब भी नहीं होती है जब आलिया भट्ट के तरीके से दिखने में 5-6 साल की छोटी बच्ची जो मुंह में बीड़ी दबाए हुए चेहरे पर बिंदी लगाए हुए और उस तरीके का डायलॉग जो बेसिकली आलिया आलिया भट्ट अपनी फिल्म में बोलती हुई ट्रेलर में दिखाई देती हैं बच्चियां दिखाती हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस पर आलिया भट्ट और फिल्म फेयर जरूर अपनी बात कहती हैं कि वाह क्या मजेदार तरीके से आलिया भट्ट को इस छोटी सी बच्ची ने एक एक करेक्टर निभाया है। आलिया भट्ट से भी ज्यादा अच्छा करके निभाया है। शेखर गुप्ता को तब कोई तकलीफ नहीं होती है। शेखर गुप्ता को तब भी तकलीफ नहीं होती है जब बाहुबली फिल्म के लिए जेपी चौक से एक ये कहते हैं कि तर्कहीनता की मर्यादा को लांघती है ये फिल्म बाहुबली, जिसने हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी सफलता का झंडा गाड़ा होता है। जेपी चौकसे से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। उन्हें दंगल फिल्म से भी तकलीफ नहीं होती है जहां पर एक हिंदू लड़की, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमारे यहाँ पनीर में दही में घी में बहुत ताकत हुआ करती है, लेकिन दंगल उस फिल्म में जब चिकन खा करके उस लड़की में ताकत आया करती है, जबकि वो चिकन महावीर फोगाट ने अपनी बच्चियों को गीता और बबीता को कभी खिलाया नहीं होता है, लेकिन उस फिल्म में ये दिखाया जाता है उन्हें तकलीफ नहीं होती। उन्हें तकलीफ केवल तब होती है जब मुस्लिम विलेंस किसी फिल्म में आ करते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक फिल्म का नाम, दैट इज बेसिकली दैट वाज अ वेब सीरीज जिसमें एक करेक्टर का नाम चेंज कर दिया जाता है। जी हाँ, वो करेक्टर बेसिकली मुस्लिम हुआ करता है लेकिन उस वेब सीरीज में उसका नाम हिंदू करेक्टर कर दिया जाता है। शेखर गुप्ता को तब कोई तकलीफ नहीं होती है। उन्हें तब भी कोई तकलीफ नहीं होती किसी भी तरीके से जब किसी भी तौर पे एक हिंदू एक मुस्लिम जो मौलाना है जो बलात्कार किया होता है एक अच्छे खासे बड़े प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में उस एक साधु संत की फोटो आया करती है और नीचे स्टोरी में उस मौलाना का नाम होता है, लेकिन मौलाना की फोटो अलोंग विद द दाढ़ी एंड टोपी नहीं आती है, साधु की फोटो आती है। उस शेखर गुप्ता को द सोल्ड बिके हुए सेकुलर का कीड़ा जिन्होंने काटा हुआ है उन्हें तब भी कोई तकलीफ किसी भी तरीके से नहीं होती है। खैर मैं यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ कि शेखर गुप्ता जी जब कश्मीर में परेशानियां हुई थी 90 के दशक में उन्होंने ये नहीं देखा था कि वो कौन है। वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वामपंथी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो सेकुलर हैं, वो लिब्रांजू हैं, वो कौन है। उनकी नजर में वो सारे एक थे, दैट वाज काफिर। और काफिर के हिस्से में या तो मौत आती है या फिर कन्वर्जन आता है। आप समझ लीजिए इस बात को कि जिन लोगों के लिए आप वकालत कर रहे हैं कि किस तरीके से रॉकेट बॉयज नाम की जो एक वेब सीरीज है इसे हम सबको देखना चाहिए, इतिहास के पन्ने खुलते और पता लगता है कि किस तरीके से लोगों ने उन्हें रोका था वो काम करने से जो उन्हें करना चाहिए था, जो उससे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन तब भी हम इस तरीके की बातें करते हैं तो शर्म आने चाहिए आप जैसे लोगों को। वैसे समाज में भी द्वेष खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि समाज में सही बातें पहुंचे और सही पुरुषार्थ अपनी शक्ति को हम जागृत करने में अपना सहयोग जरूर दें। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर। भारत माता की जय।